उज्जैन में नाबालिग के साथ सनसनीखेज रेप की वारदात से सब सन्न है। बुधवार को शहर में अर्धनग्न और लहूलुहान बच्ची 2.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाती रही थी। बच्ची की दिल दहला देने वाली हालत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। वो 8 किलोमीटर तक मदद की गुहार लगाती रही। आखिर में महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर डांडी आश्रम के पास उसको मदद मिली। फिलहाल बच्ची का इलाज इंदौर के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी बीच मामले की जांच में लगे एक पुलिसकर्मी रेप पीड़िता बच्ची की मदद के लिए आगे आए हैं। एमपी पुलिस अधिकारी अजय वर्मा ने कहा है कि वो नाबालिग रेप पीड़िता का मेडिकल इलाज, पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक पूरा खर्चा और उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। जी, बच्ची की मैं स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है कि मैं अपने उसमें उसको मदद करूंगा। और मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ काफ़ी लोग भी आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी, वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे और उसका इलाज भी करवा देंगे। कैसे प्रेरणा मिली, क्या पहले भी मदद करते हैं? प्रेरणा मैंने पूर्व में भी मैंने की है। नागदा की एक सूफिया नाम की महिला है, जो मुस्लिम महिला थी, जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था। उसके विवाह का भी दायित्व हमने उठाया था और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं अपने तरह समाज को उस तरीके से लौटा सकूँ जब जिस तरह समाज ने मुझे बनाया है। ठीक है, आने वाले पीढ़ी है या आपके थाने के लोग हैं, किस तरह से आप प्रेरणा उनको देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं की थी? देखिए, पुलिस विभाग में अगर आप कहें तो पुलिस में जितनी संवेदनशीलता बढ़ती है, इन 3-4 दिनों में ना IG साहब सोए हैं, ना SP साहब सोए, ना हमारा स्टाफ, ना कोई सोया है। लगातार ड्यूटी, लगातार कार्य किया है। बच्ची को जो ब्लड भी है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपलब्ध करवाया, तो संवेदनशीलता हमारे विभाग में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बड़े बड़े सर्कुलर हमारे DG साहब ने जारी किए हैं और बहुत लोगों को सेंसिटाइज किया है इस विभाग में कि वो महिलाओं के अपराधों को लेकर के बहुत संवेदनशील बने। और आप देखिए कि महिला को लेकर के पुलिस विभाग में अति संवेदनशीलता का दौर चल रहा है। बता दें कि अजय वर्मा मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं। फिलहाल वो उज्जैन में महाकाल पुलिस स्टेशन के प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं। वो वहाँ इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। अजय वर्मा फिलहाल उज्जैन रेप पीड़िता केस के जाँच अधिकारी भी हैं। इस मामले को लेकर वो अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि देश को झकझोर देने वाला उज्जैन रेप कांड की ये घटना 25 सितंबर को सामने आई थी, जब 15 साल की लड़की को उज्जैन के महाकाल पुलिस थाने की सीमा के पास सड़क पर खून से लथपथ पाया गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। बाद में पुलिस ने आरोपी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।